विक्रांत ने लिखी 99+1 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोना किताब। आज किया किताब का विमोचन। 76 पन्नों की इंग्लिश भाषा में लिखी किताब को किया लॉन्च। कोरोना को लेकर विस्तार पूर्वक दी गई किताब में जानकारी। एंजल्स पैराडाइज स्कूल के एमडी और ग्रेस हेल्थ केयर के फाउंडर विक्रांत कपूर ने कोरोना को लेकर 99+1 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोना नामक एक किताब लिखी, जिसका आज विमोचन किया गया। ये किताब अंग्रेजी भाषा में 76 पन्नों में लिखी गई है। विक्रांत ने दावा किया कि इस किताब में जहां लोगों को कोरोना को लेकर पूरी जानकारी मिलेगी, वहीं आने वाली वैक्सीन को लेकर भी लोग इस किताब से जानकारी पा सकते हैं। विक्रांत कपूर ने लोगों को संदेश दिया कि हमें कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। का रिलीज है, इसका नाम है 99+1 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोना। 99 वेज ऐसे वेज हैं जो प्योर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन की चीजें अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त। मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, फॉग मशीन्स हो गई, ग्लव्स हो गए, फेस शील्ड हो गए, पीपी किट्स हो गई, शू कवर हो गए, हेड कवर हो गए, और भी कितने तरह के हैं, और इसमें सैनिटाइजर्स कितने तरह के हैं, मास्क की कितनी तरह की चीज़ें हैं, क्या है, आपको पूरी इसके अंदर नॉलेज मिलेगी कि कितना कुछ अवेलेबल है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से। और इसमें एक प्लस वन तरीका जो मैंने डिस्कस किया है वो वैक्सीनेशन पे ही डिस्कस किया है मैंने, कि वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा गया है। बिकॉज वैक्सीनेशन के बारे में सिर्फ लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन है। अभी एक तरह की वैक्सीनेशन मार्केट में आई है। वैक्सीनेशन के ऊपर ये मैंने पूरी डिटेल में लिखा है कि कितनी तरह की वैक्सीनेशन आने वाली है मार्केट में। आरएनए, डीएनए, लाइव एन्यूनेटेड, सबनेट वैक्सीनेशन, वीपीएल, स्प्लिट वायरस, एमआरएनए, तो ये सारी वैक्सीनेशन अभी धीरे धीरे मार्केट में आएंगी। और कौन सी कारगर होती है कोरोना पे असली, वो अभी हमें पता चलना है। बिकॉज अभी किसी को भी एक भी पर्सन को वैक्सीनेशन नहीं लगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, बिकॉज ये पूरे मुझे वर्ल्ड वाइड रिलीज करनी है, और मैंने वर्ल्ड वाइड अमेज़न में रिलीज की है ये वाली, और अमेज़न पे ही ये अपना पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, कोई भी अमेज़न किंडल पे जाके मेरा नाम लिखे विक्रांत कपूर या 99+1 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोना सर्च में लिखे, तो उनको ये बुक मिल जाएगी। तो कितने पेजेस की है ये? सर ये 76 पेजेस की प्रिंट एडिशन है, बट जो ऑनलाइन एडिशन है, जो ऑनलाइन एडिशन है वो 200 पेजेस या 150 पेजेस, अब डिपेंड करता है आप किंडल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल के पेजेस बना देते हैं। पर प्रिंट एडिशन इज फॉर 76 पेजेस। सर इसका प्राइस अभी जो हमने रखा है वो 299 रखा है हमने, जो हमारी हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी बिकॉज प्रिंटिंग है, बट ऑनलाइन जो है वो टोटली फ्री है। आप किंडल पे जाके, अगर आप सब्सक्राइबर है किंडल के, किंडल अनलिमिटेड में आप जाके पूरी की पूरी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में वो नॉलेज अपने चाहने वालों को बचाने के लिए, और अपने चाहने वालों को शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। सर ये बुक लिखने में आपने किन किन लोगों की मदद ली है? बुक लिखने के लिए इसमें मैंने स्पेशल थैंक्स लिखा है। सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं श्री श्री रविशंकर जी, जिनकी इंस्पिरेशन से और जिनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। दूसरे मेरे बिजनेस कोच हैं मिस्टर सुरेश मनशर्मानी, उन्होंने इंस्पायर किया कि विक्रांत तुम्हें इतनी नॉलेज है, कॉन्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, अच्छी किताब लिखो अपनी नॉलेज के ऊपर ताकि लोगों को पता चले। दूसरा मेरे वाइफ है मुस्कान कपूर, शी हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव इन राइटिंग मी दिस बुक, बिकॉज ये बुक जब लिखना होता है आपको जैसे होता है ना, आप संन्यास ले लेते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, तो आई वॉज लाइक दैट। तो दूसरा, उसके बाद मेरे साथ मेरे टीम मेम्बर्स हैं मैम सरगुन और मैम अंजलि, दे हैव बिन वेरी कोऑपरेटिव एंड यू नो हेल्पिंग मी आउट इन कम्प्लीशन ऑफ द बुक। कितने डॉक्टर्स के साथ आपने कंसल्ट किया इस बुक को लिखने से पहले? सर बेसिकली जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, डॉक्टर्स मुझसे कंसल्ट करते हैं बिकॉज ये कोरोना के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। हमारा ग्रेस हेल्थ केयर स्टोर है, वो हम पे आते हैं कि विक्रांत आईसीयू को बचाने के लिए हम कौन कौन से तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो स्टाफ को बचाने के लिए कौन कौन से तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं उनके लिए कौन कौन से तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और डेफिनेटली उनके साथ ही हमने भी काफ़ी चीज़ें मिलकर सीखी हैं, उनके साथ काफ़ी चीज़ें की हैं, और ये जितनी भी चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं गूगल में और WHO में रिकमेंडेड चीज़ें हैं।
WHO ने भी जैसे डिसइंफेक्टेंट, हमने बेंजाक्लोनियम क्लोराइड के बारे में बात की है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स की बात की है, ये सारे WHO की ही रिकमेंडेड है और बड़ी साइंटिफिक नॉलेज है। मैसेज क्या सर? मैसेज यही है कि कोरोना इंडिया में अभी म्यूटेटेड फेस में है। म्यूटेटेड फेस यानी कि 25 रूप अभी तक आ चुके हैं कोरोना के, कभी इन्फेक्शियस, कभी लेस इन्फेक्शियस, कभी मीडियम। तो ये इसका एक रूप है अभी कि जो लेस इन्फेक्शियस है, लोगों को जो है 10 या 20% की स्पीड पे फैल रहा है, बट जो भी यूके और अमेरिका में स्ट्रेन आया वो 70-80% स्पीड पे फैल रहा है। तो हो सकता है इंडिया का अगला जो म्यूटेशन आए वो उससे भी फास्ट आए या स्लो आए या नहीं आए, हमें कुछ नहीं पता। बट प्रिकॉशन और प्रिवेंशन लेते रहिए, जब तक आपको वैक्सीनेशन पूरी डोज नहीं मिलती और जब तक वैक्सीनेशन कारगर नहीं होती और इसका क्योर नहीं आता, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी जीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से आप जिए, इंजॉय करिए, बट प्रिवेंशन के साथ। ये बुक के बारे में थोड़ा सा मैं इतना बताना चाहूँगी कि कोरोना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ हम खुद इन्फेक्ट नहीं होते या परेशान नहीं होते, अगर हम करियर है इस चीज़ के, अगर हम उस चीज़ से इन्फेक्टेड है तो हम अपने आसपास के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर पाते हैं, कर लेते हैं। बल्कि हमने देखा है कि एक इंसान की लापरवाही पूरे परिवार पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, बल्कि सोसाइटी पे भारी पड़ती है। तो हम जिम्मेदार सिटीजन्स बने, खुद की प्रिवेंशन करें, हर चीज़ से प्रोटेक्शन लें ताकि खुद भी सलामत रहे और हम अपने आसपास के लोगों को भी सलामत रखें। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारे देश की तरफ, सभी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी।